हमारे घर में जो रह रहा है ना वो रणबीर नहीं है, भविष्य है। आज कोई भी शक्ति भविष्य को हमसे नहीं बचा सकती। आज वक्त काल बनकर उसका अंत लाएगा। इस वक्त मैं सातपुरा रोड पर जो राजपीपला की दुर्गा माँ की पुरानी गुफाएं है ना वहां छुपी हुई हूँ। आज दुर्गा माँ की गुफा में उनके चरणों में देवियों की शक्ति के हाथों फिर एक महिषासुर का वध होगा। दुर्गा देखो मैं आ गया हूं। दुर्गा मैं जानता हूं दुर्गा कि तुम इस आने वाले तूफान को पहचान सकती हो। मेरी आवाज की ये गूंज चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। तुम्हारी बहन को तो मैंने असाइलम भेज ही दिया है, अब तुम्हें मार के मेरा बदला पूरा हो जाएगा। कितनी अजीब बात होगी, दुर्गा मां के सामने दुर्गा की मौत। दुर्गा मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यहीं छुपी हुई हो, लेकिन आज ये अंधेरा भी तुम्हें छिपा नहीं सकता। दुर्गा तुम्हें क्या लगा कि मेरी जगह यहां लक्ष्मी आएगी? क्योंकि तुमने तो लक्ष्मी को बुलाया था, तो फिर मैं यहां कैसे आ गया? तुमने सोचा कि अपनी बहन के साथ मिलकर भविष्य का नकाब उतार दोगी? भविष्य का सामना करना इतना आसान नहीं है दुर्गा। मुझसे भागने का कोई फायदा नहीं है दुर्गा, क्योंकि तुम्हारी सोच और तुम्हारी दौड़ इतनी तेज नहीं है कि भविष्य की सोच से आगे निकल जाए। तुम्हारी बहन ने भी मुझसे टकराने की कोशिश की थी, पर क्या हाल हुआ उसका? सोचो, उसे मैंने पागल बना दिया और मेंटल असाइलम भेज दिया। गोवा में मैंने ही रणबीर की जगह ली थी और उसको अपनी जगह मैंने असाइलम भेज दिया। आज तक वो चीखता चिल्लाता रहता है। किरण को भी मैं ही मारना चाहता था दुर्गा, क्योंकि क्षितिज और सरस्वती ने उसे अपना नाम दिया, जो मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन सरस्वती की किस्मत अच्छी थी जो उसने उसे बचा लिया। पर क्या हुआ, सारा इल्जाम उसके ही सर आया, वही पागल साबित हुई। पल पल तुम्हें जहर देकर तड़पाता रहा, तुम्हें मौत के करीब लाता रहा और कोई कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें क्या लगा
सृष्टि, करण और लक्ष्मी तुम्हें बचा लेंगे। उनके हर कदम पर मेरी नजर थी। तुम्हें लगा तुमने फोन पर लक्ष्मी से बात की, लेकिन वो लक्ष्मी नहीं थी, वो मैं था दुर्गा। तुम्हारी मौत ऐसी होगी, तुम्हारी मौत दुर्गा, कि तुम्हारी चीख और तुम्हारी तड़पती हुई आवाज इसी गुफा में बंद रह जाएगी। तुम्हारा खेल खत्म। दुर्गा बस, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। देखो, मैं अभी भी तुमसे कहता हूं, अगर तुम अपने आप सामने आ गई तो तुम्हें चैन की मौत दूंगा, नहीं तो ऐसी मौत मिलेगी कि तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें 100 बार और मारूंगा। बस दुर्गा बस, बहुत तड़पा लिया मुझको। तुम्हारे साथ साथ आज तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा, एक एक सदस्य को मौत की नींद सुला दूंगा, ये मेरा वादा है। गरोड़िया परिवार में ऐसा मातम छाएगा कि उस मातम में शरीक होने के लिए कोई नहीं होगा। नहीं कर पाओगे तुम ऐसा। Thank you.
भविष्य, बहुत ताज्जुब हो रहा होगा ना तुम्हें हमें एक साथ यहाँ देखकर। तो ये तुम्हारी चाल थी लक्ष्मी, मुझे यहाँ फोन करके तुमने बुलाया, लेकिन तुम जानती नहीं हो तुम किसके सामने खड़ी हो। मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा लक्ष्मी, और तुम देखती रहोगी, हाँ कुछ नहीं कर। जाओ भविष्य, मेरी बेटियों की तरफ एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। आज ना तो मेरी बेटियां कमजोर हैं और ना ही ये माँ। आज हमारे इरादे इतने मजबूत हैं ना भविष्य, तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत इसे कमजोर नहीं कर सकती। देख इनकी आंखों में झांक कर, तुम्हें जुल्म सहने वाली औरत नहीं बल्कि जुल्म करने वालों को पापों की सजा देने वाली देवियां दिखेंगी। जो एक एक दुख तूने मेरी बेटियों को दिए हैं, आज उसके बदले में सरस्वती, दुर्गा, गौरी, लक्ष्मी तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें देंगी, और वो सजा तुम्हें जरूर मिलेगी भविष्य। कैसी सजा? तूने क्या सोचा था, मेरी बेटियों पर मुसीबतों का पहाड़ गिराकर, उन्हें दुख देकर तुम बच जाओगे? ये तुम्हारी गलत फहमी थी। जो माँ अपनी बेटियों के सुख के लिए भगवान से लड़ सकती है, तो वो अपनी बेटियों के दुख के लिए तुम जैसे राक्षस का भी सामना कर सकती है। आज मैं तुम्हारा सामना करने आई हूँ भविष्य, इसके पहले कि मेरी बेटियां तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों का एहसास दिलाना चाहती हूँ। सरस्वती बेचारी चीख चीख कर कहती रही तुम्हारी सच्चाई के बारे में, तुम्हारे दुर्गा को मार देने के इरादों के बारे में, लेकिन उसकी बातों को हमने नजरअंदाज कर दिया, उसे पागल ठहराकर मेंटल असाइलम भेज दिया। हाँ वो पागल थी, थी वो पागल, लेकिन अपनी बहन के प्यार में, लेकिन तूने इसी हालात का फायदा उठाया भविष्य। मेरी भूल जैसी दुर्गा को इतनी तकलीफें दी तूने, इतने दुख दिए, तुम्हें उस पर जरा सी भी दया नहीं आई, और तो और किरण जैसी बच्ची को भी नहीं बख्शा तूने, वो बेचारी दिन रात रोती थी अपनी माँ के लिए। तुम नहीं समझ पाओगे ये सब कुछ, एक बेटी को अपनी माँ से अलग करके तूने जिंदगी में बहुत बड़ा पाप किया है भविष्य। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, इस सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, और तूने ये चीख चीख कर कबूल किया है भविष्य। तुम फिर भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि औरत की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। आज ये माँ और उसकी बेटियां तुम्हें उस ताकत का एहसास दिलाने आई हैं। जो खुशियां तूने हमसे छीनी है उसका हिसाब चुकाने आई है। आज तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी भविष्य। कैसी सजा? We'll be right back.
बस सावित्री बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। एक बार लक्ष्मी ने मुझ पर हाथ उठाने की गलती की थी और उसकी सजा सरस्वती आज भी भुगत रही है। भविष्य, तुमने मेरे थप्पड़ का बदला मेरी दीदी से लिया? याद है तुम्हें, तुमने मुझे बाजार में सबके सामने थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ की कीमत तुम्हारी बहन आज तक चुका रही है। हाँ, जब मैं उससे मिलने आया था, मैंने तभी तय कर लिया था कि मैं तुम्हारी बहन को बर्बाद कर दूँगा। आज हालात कैसे हैं? तुमने मुझे थप्पड़ मारा और उसकी कीमत ये चुका है। तुमने मुझसे मेरी प्रीति को छीना, उसे बर्बाद कर दिया और तभी मैंने ये सोच लिया था कि मैं तुम्हारी बहन को बर्बाद कर दूंगा। इसे पल पल जहर देकर मौत की नींद सुला दूंगा। सोच लो सावित्री, मुझ पे हाथ उठाना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है, इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुम पांचों भी एक हो जाओ तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने साथ हुए एक एक वाक्य को याद कर किस तरह मैं तुम्हारे घर में रणबीर बन के रहता हूं, पर घर के किसी भी सदस्य को इसका शक नहीं। जिस तरह मैं पल पल इसे जहर देकर मारता रहा लेकिन किसी भी रिपोर्ट में जहर का जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि वो रिपोर्ट्स मेरी निकलवाई थी, वो डॉक्टर्स मेरे खरीदे हुए थे, यहां तक कि इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर भी मैंने ही भेजा। याद करो, मैं ना जाने कितनी बाजियां खेलता गया लेकिन तुम्हें इसकी भनक तक नहीं हुई, क्योंकि मुझ में रावण की तरह 10 आदमियों की चतुरता और चपलता है और तुम जैसी बेबस और लाचार औरतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें याद है ना किस तरह तुम्हें जिंदा जलाया था? पर उस दिन इसकी किस्मत अच्छी थी, इसे क्षितिज ने बचा लिया, लेकिन आज तुम सबको जिंदा जलाकर राख कर दूंगा मैं। हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं भविष्य, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति अब तुम्हें नहीं बचा सकती। जय जय दुर्गा।